हाय दोस्तों, हरे रंगे न मामी गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। सुबह के आप दृश्य आज नहीं देख रहे हैं, आज दोपहर का दृश्य देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी भी चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। हरिद्वार की यात्रा आपकी कैसी होगी ये वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसे हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, आप हरिद्वार की यात्रा कब करें, कैसे करें और आपको घाटों में कितना समय आना चाहिए। ऐसे कल की जो दृश्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाला है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालुओं की संख्या, गंगा जी में डुबकी लगाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अगर आप बाय रोड यात्रा करना चाह रहे हैं या फिर आप बाय ट्रेन, सारी जानकारी आपको मिलने वाला है। दिन में कितना ज़्यादा कोहरा होता है, सुबह कितना ज़्यादा कोहरा होता है और रात में कितना ज़्यादा कोहरा होता है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप कब प्लानिंग कर रहे हैं हरिद्वार का, ये वीडियो में आप कमेंट करके बताएं। और मनसा देवी के जो रोपे है वो अब चालू हो चुका है, तो आपको ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपके लिए हो सकती है। और आप देख रहे हैं आप हरिद्वार की लाइव दृश्य, गंगा जी के धारा देख रहे हैं कितनी तेज़ है। ये है हर की पैड़ी जो कि यहाँ से 400 मीटर दूर है। ये है शिव घाट जहाँ पे दोपहर के 3 बजे भी श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलते हैं, सारे घाटों का दृश्य दिखाएंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात कहें तो अभी तो सर्दी हवाएं हैं, दोपहर के 3 बजे तो अभी टेम्परेचर 14 डिग्री है। तो चलते हैं, चारों ओर का दृश्य देख के आपका नज़र भी लग गया होगा कि कोहरा कितनी ज़्यादा है। घाटों पे जब आपकी सुबह एंट्री होगी 10 बजे से पहले तो आप ठीक ठूक जाएंगे, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। और आप अगर 10 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो थोड़ी राहत मिलेगा, क्योंकि घाटों पे जो भीड़ होता है वो 10 बजे के बाद देखने को मिलता है। ऐसे कल की जो भीड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, सुबह ही भीड़ श्रद्धालुओं की लग जाएगी। और गंगा जी की जो धारा है उसमें रेत बालू की संख्या भी अब कम हो चुकी है, ये काफ़ी अच्छी आप सबके लिए होने वाला है। और साथ में ये भी आपको जरूर जाननी चाहिए कि अभी होटल धर्मशाला की बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खासतौर पर हर की पैड़ी के पास थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मिल जाएगा। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास या फिर हर की पैड़ी से थोड़ा दूर आपको किसी पारे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रूम या धर्मशाला के लिए। तो आप रूम या धर्मशाला या खाने पीने के लिए बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपको सारी सुविधा मिल जाएगा। अभी जो हम खड़े हुए हैं ये है हाथीवाला ब्रिज। हाथीवाली ब्रिज से आप मनसा देवी के जो पैदल मार्ग है, रोपवे का मार्ग है, वहाँ पर जा सकते हैं। खास तौर पर आप जा पाएंगे सुभाष घाट और कुसा घाट के लिए। कुसा घाट के लिए एक यही मार्ग है जब आप ऋषिकेश बाईपास से आते हैं। इस ब्रिज का उपयोग अधिकतर लोग जब करते हैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय में अपनी कार पार्किंग करके आते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा पार्किंग हर की पैड़ी के पास एक ये है और दूसरा है पंजी पार्किंग। सुबह आप अगर हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं और धूप की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आप धूप की उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि धूप कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अभी आपको श्रद्धालु स्नान करते हुए भी दिखाई देंगे, आते हुए भी और जाते हुए भी, क्योंकि अब 2 घंटे बाद आरती होना है और आरती के लिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और कल का दिन काफ़ी खास है और काफ़ी खास होने के साथ साथ भीड़ भी, जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आप अगर आ रहे हैं तो कोशिश करें, हमने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है होटल धर्मशाला का, आप बुकिंग करवा सकते हैं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये है सुभाष घाट। और सुभाष घाट में कितना ज़्यादा श्रद्धालु है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुभाष घाट मार्केट के किनारे हैं, मोती बाज़ार के किनारे हैं और यहाँ पे रहने खाने पीने होटल धर्मशाला सारी की सुविधा मिलता है। और गंगा घाट किनारे होने के साथ साथ यहाँ पे चेंजिंग रूम की सुविधा भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं नीचे घाट की ओर और घाट का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। जैसे ही घाट में पहुँचेंगे तो आप भीड़ देखेंगे कि दोपहर के 3 बजे कितना भीड़ है। ऐसे दोपहर में गंगा घाट खाली होता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि लोगों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। कुछ श्रद्धालु एक दिन पहले आते हैं स्नान करने के लिए और कुछ श्रद्धालु एक दिन बाद आते हैं ताकि हम गंगा जी का आशीर्वाद ले सकें। कल की जो भीड़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये जो मार्ग है ये सीधे मोती बाज़ार की ओर गया है और हम मोती बाज़ार कुसा घाट के लिए इस मार्ग से जा सकते हैं। देख रहे हैं काफ़ी सारे होटल धर्मशाला यहाँ पर दिखेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं शॉपिंग के ऑप्शन, थोड़ी आगे जाने के बाद ये आपको दुकान सजे हुए दिखाई देंगे और थोड़ी आगे जाने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे बने हुए होटल और धर्मशाला।
ये आप देख रहे हैं होटल और धर्मशाला, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, और आप अगर चाह रहे हैं मनसा देवी चंडी देवी दोनों की यात्रा करने के लिए तो कम्बो टिकट ले लीजिएगा, रोपवे से आप यात्रा कर सकते हैं। टिबलपुर का कॉस्ट आपको पड़ने वाला है। और ये जो दृश्य है ये आप देख रहे हैं गंगा जी का, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पारदर्शी हो चुकी गंगा जी, तो अब आपको किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं माताएं कितने दो दो तीन तीन गर्म कपड़े पहने हुए हैं, ठंडी काफ़ी ज़्यादा अभी भी लग रहा है। कुछ देर आप घाटों में रुकेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हिस्सा ढका नहीं रहेगा, खासतौर पर हाथ, ऐसा लगता है कि उंगली नहीं है, इस तरह की ठंडिया अभी आपको एहसास होगा अगर आप घाटों पर आते हैं, क्योंकि जल की धारा काफ़ी तेज़ है, बर्फीली हवाएँ चलती रहती है, और गंगा घाटों में जल की गति होने की वजह से हवा भी काफ़ी बर्फीली होती है। ये हम पहुंचने वाले हैं अब नई घाट पे। सुभाष घाट काफ़ी बड़ा घाट है और काफ़ी अच्छा घाट है, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। सुभाष घाट में देख रहे नई बैठे हुए हैं, मुंडन की विधि यहाँ पे किया जाता है, अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि के लिए जो सेपरेट घाट है वो नई घाट है, कुशा घाट है, सीता घाट है, ये सारे घाट है जो कि केवल मुंडन की विधि के लिए बनाया गया है। ऐसे तो मुंडन की विधि सारे घाटों में कर देते हैं श्रद्धालुओं को। ये देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग अभी भी यहाँ पे आग सेक रहे हैं, इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है हरिद्वार हर की पैड़ी में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।